नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास टेंथ की साइंस को, जो हम पढ़ेंगे बेसिक्स को धीरे धीरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम साइंस को शुरू कर रहे हैं। दरअसल साइंस जो है वो एक ऐसा पोर्शन है जिसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साइंस को हम धीरे धीरे बेसिकली सभी पार्टों को पढ़ेंगे एक एक करके। जो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस, साइंस के जो फादर हैं वो हैं अरस्तु। साइंस के जो फादर हैं वो अरस्तु। कहीं कहीं पर अलग अलग लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा गैलीलियो, कहीं कहीं पर अगर आप सर्च करोगे कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंस इन इंडिया तो आपको लिखा मिलेगा जगदीश चंद्र बोस। तो हम इस पर मातापक्षी ना करते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं जो साइंस है, साइंस के फादर हैं अरस्तु, इन्हीं को हम बोलते हैं एरिस्टोटल। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एरिस्टोटल। विज्ञान जो है बी प्लस ज्ञान, अगर विज्ञान का संधि विच्छेद किया जाए बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जो साइंस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानने के अर्थ में। हम साइंस से कुछ भी चीज को अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम जानने के सेंस में यूज करते हैं साइंस को। साइंस जो है वो तीन भागों में बटा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस जो है वो तीन भागों में बटा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। साइंस एक ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के सेंस में, मतलब प्रकृति की सारी घटनाओं की हम जानकारी इस फिजिक्स के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री एक कीमिया शब्द से निकल कर बना है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। इसके फादर जो है वो है लैवोइसियस। अगर बात करें जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायलोस और लोगोस। बायलोस को हिंदी में बोलते हैं सजीव, और जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए उसी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान, यानी कि लिविंग जीवों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। जो बायोलॉजी के फादर हैं वो हैं अरस्तु। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हम छोटे छोटे बेसिक्स को जाना। अब हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में। हम बात करेंगे केवल और केवल एक पोर्शन पर इस फिजिक्स पर। फिजिक्स दो भागों में डिवाइड है, एक है चिरसम्मत भौतिकी, एक है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को हम बोलते हैं एसियंट फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो एसियंट फिजिक्स है उसी के फादर को कहा जाता है न्यूटन को, और मॉडर्न फिजिक्स है उसके फादर को कहा जाता है आइंस्टीन। मतलब अब ये दो फिजिक्स को किस तरह से बांटा गया है, एक फिजिक्स है जो जिसका भाग 1900 से पहले का है, और एक फिजिक्स जिसका भाग 1905 के बाद का है। मतलब अगर बात की जाए 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसे हम पढ़ते हैं इस एंशिएंट फिजिक्स में, अगर 1905 के बाद की जो फिजिक्स है उसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। आई होप आप सभी लोगों को इस अभी छोटे छोटे बेसिक्स पर आपने काम किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखिए और अपने नोट्स बनाइए, आपको एक बेहतर कंटेंट मिलेगा समझने के लिए, बेहतर अप्रोच मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा आप लोग। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद जय सत्य।